इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1913 में, जब अफगानिस्तान के दुर्रानी शासकों और सिखों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें सिखों ने अपनी चतुराई और कौशल से दुर्रानी शासकों को पूरी तरह मात दी। इसके बाद सिखों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने न सिर्फ कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि दुर्रानी सल्तनत की नींव हिला दी, जिसके बाद अफगानियों ने अगले कई साल तक पलटकर भारत की तरफ नहीं देखा। इतिहास के पन्नों में लड़ाई अटक की जंग के नाम से मशहूर है, लेकिन इस पूरे खिस्से को जानने के लिए आपको इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। मिड 18th सेंचुरी तक अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1735 में नादिर शाह के भारत पर हमले के बाद ये थोड़ा छोटा हो गया। सबसे पहले नादिर शाह ने दिल्ली को जमकर लूटा और इसके बाद अफगानिस्तान पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली को अपने साथ भारत ले आए, जो इस वक्त उनके बहुत ही खासम खास थे। वहीं दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अब्दाली ने वापस जाने से पहले सोचा कि क्यों ना कुछ दिन लाल किले में ही आराम फरमा लिया जाए। एक रोज जब अब्दाली लाल किले पर बने दीवाने आम के आगे खड़े हुए थे, तब असफ जाह ने उन्हें एक झलक दूर से देख लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असफ जाह के बारे में कहा जाता है कि वो किसी का भी चेहरा देखकर उसकी किस्मत बता सकते थे। उन्होंने अब्दाली को देखकर कहा कि तुम एक दिन बादशाह बनोगे। ये बात आग की तरह फैल गई और बढ़ते बढ़ते जब नादिर शाह तक पहुंची तो उन्होंने अब्दाली को अपने पास बुलाया और अपने खंजर से उसके कान का एक हिस्सा काट दिया और कहा कि जब तुम बादशाह बनोगे तो एक घाव तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। साल 1747 में वो दिन भी आया जब नादिर शाह की हत्या कर दी गई। बता दें कि उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के अंगरक्षकों ने की थी। अब्दाली जब तक नादिर शाह की जान बचाने के लिए पहुंचते तब तक उनका खून हो चुका था। और तब अब्दाली को नादिर शाह की कही गई वो बात याद आई जो उनका कान काटते हुए कही गई थी। अब साफ हो चुका था कि अब्दालियों का अगला शासक कौन होगा। अब्दाली ने कंधार पहुंचने के बाद पश्तून कबीलों की मदद से खुद को अफगानिस्तान का नया बादशाह घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने खुद को दुर्रे दुर्रानी नाम के एक नए टाइटल से भी नवाजा। यहाँ आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दुर्रे दुर्रानी का मतलब होता है मोतियों में सबसे अनमोल मोती। यहीं से शुरू होती है कहानी दुर्रानी वंश के शासन की। चूंकि अहमद शाह अब्दाली अब राजा बन चुके थे, लिहाजा उसने अपनी सीमा को बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसकी नजर उत्तर भारत पर पड़ी, जहां मौजूद था धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर, जिसे पाने के लिए लंबे समय तक सिखों और दुर्रे दुर्रानी शासकों के बीच जंग चली। इसमें कभी सिखों को जीत मिली तो कभी दुर्रे दुर्रानियों को। ये लड़ाई दुर्रानी वंश के दूसरे शासक तैमूर शाह के दौर में भी जारी रही। इस दौर में दुर्रानियों का आक्रमण इतना तेज तर्रार था कि उनका कब्जा मुल्तान तक हो चुका था। साल 1793 में तैमूर शाह की मौत के बाद उसके तीसरे बेटे जमन शाह को कंधार की गद्दी दे दी गई। इसकी वजह से उनके दो बेटे काफी नाराज हुए। हर बार शासन बदलता रहा, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों पर आक्रमण का दौर जारी रहा। अब आया 1797 का दौर, जब जमन शाह ने पंजाब पर 12,000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया। यहाँ बता दें कि जमन शाह तैमूर शाह का तीन बेटों में से एक बेटा था। जब अफगानियों ने पंजाब पर हमला किया उस वक्त राजा रंजीत सिंह सिर्फ 17 साल के थे। वहीं दोनों के बीच हुए इस युद्ध में आखिरकार पंजाब को जीत हासिल हुई, लेकिन जमन शाह को पंजाब पर कब्जा ना कर पाने की कसक अब भी बाकी थी। इसके बाद साल 1798 में एक बार फिर जमन शाह ने पंजाब को कब्जाने के इरादे से अपनी सेना भेजी। इस बार रंजीत सिंह ने ऐसी चाल चली जो दुर्रानियों की समझ से बाहर थी, क्योंकि पंजाब के राजा ने लाहौर में सेना को घुसने दिया और बाहर से बुनियादी चीजों की सप्लाई बंद कर दी। इतना ही नहीं, राजा रंजीत सिंह ने अनाज के खेतों में आग लगाकर आक्रमणकारियों के सामने खाने का संकट भी खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से अफगानियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। जब जमन शाह अफगानिस्तान वापस लौटे तो एक कबीला उनके विद्रोह में उतर आया। उनकी इस आवाज को दबाने के लिए जमन शाह ने इन सभी का कत्ल करवा दिया। इसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई महमूद शाह ने दूसरे भाई जमन शाह की हत्या कबीले के लोगों की मदद से कर दी। अब तीन में से एक भाई की हत्या हो चुकी थी और बचे थे सिर्फ दो भाई, महमूद शाह और शाह सुजा, जिनके बीच गद्दी को लेकर साल 1809 में जंग हुई, जिसमें महमूद शाह को कंधार की गद्दी मिली, लेकिन शाह सुजा को युद्ध में हारने के बाद भागकर कश्मीर जाना पड़ा। उधर महाराजा रंजीत सिंह अपनी सीमा का विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे और साल 1811 में उन्होंने राजौरी पर हमला कर उसे वापस अपने कब्जे में ले लिया। जब ये खबर
कंधार में मौजूद महमूद शाह को मिली तो उसने काबुल के वजीर फतेह खां को कश्मीर पर हमला करने का आदेश दिया। इसकी दो मुख्य वजह थी। पहली, 1752 से दुर्रानियों के कब्जे वाले कश्मीर में साल 1810 आते आते महमूद शाह के वजीर अता मोहम्मद खान ने उनसे विद्रोह कर दिया था और शाह शुजा को कश्मीर में शरण भी दी थी, लिहाजा दुर्रानियों को कश्मीर पर फिर से कब्जा करना आसान नहीं था। साल 1812 में रंजीत सिंह और अता मोहम्मद खान के बीच एक संधि हुई जिसमें तय किया गया कि दुर्रानी फौज जब कश्मीर पर हमला करेगी तो सिख इस हमले का कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन इस लड़ाई में छोटी सी सिख टुकड़ी जरूर शामिल होगी जिसके बदले में लूट का एक तिहाई हिस्सा सिखों को दिया जाएगा। अब झेलम के पास दोनों सेनाओं ने एंट्री तो कर दी, लेकिन भारी बर्फ होने की वजह से पीर पंचाल नाम की जगह पर पहुंचते पहुंचते भारी बर्फबारी शुरू हो गई। अता खान की सेना को बर्फीली पहाड़ियों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लिहाजा वो बहुत ही जल्दी घाटी तक पहुंच गए। लेकिन सिख सेना की एक टुकड़ी जो दीवान मुकम चंद की लीडरशिप में चल रही थी उसे इस बर्फ से भरे पहाड़ी रास्ते से निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी। ऐसे में उन्होंने राजौरी के राजा से कहा कि अगर वो उन्हें घाटी तक पहुंचने का छोटा रास्ता बता दे तो वो उन्हें इसके बदले में एक बड़ा इनाम दे सकते हैं। जैसे तैसे करके सिख टुकड़ी घाटी पहुंच गई, लेकिन अता खान ने एंड मौके पर समझौते की शर्तों से इनकार कर दिया और इसके पीछे तर्क दिया गया कि हम पहले आए इसलिए सिखों को लूट में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। चूंकि मुकम चंद के पास एक छोटी सी टुकड़ी थी, लिहाजा उन्होंने लड़ाई ना करने को ही बेहतर समझा और शाह शुजा जो अपने महमूद शाह से बदला लेने की तलाश में था उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया और लाहौर ले गए। अब लाहौर में अटक का किला था जो सिंधु नदी के किनारे पर बना हुआ था और इसे अकबर ने बनवाया था। लंबे वक्त तक इस पर दुर्रानियों का कब्जा रहा था। किले की अहमियत की बात करें तो इस पर कब्जा किए बिना सिंधु नदी को पार करना नामुमकिन था। अटक की देखरेख करने वाला गवर्नर कश्मीर का वजीर अता खान का भाई था जो अफगानिस्तानियों से बदला लेना चाहता था, लिहाजा महाराजा रंजीत सिंह ने बिना देरी किए उनसे हाथ मिला लिया और अब इस किले पर रंजीत सिंह का भी कब्जा हो गया। पंजाब के राजा को भरोसा था कि एक ना एक दिन दुर्रानी इस किले पर जरूर कब्जा करने के लिए अपने सेना जरूर भेजेंगे, इसलिए उन्होंने सिख सेना के सबसे पराक्रमी कमांडर हरी सिंह नलवा को इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। अब रंजीत सिंह ने भी मुखम चंद को घुड़सवार सैनिकों की एक बड़ी फौज के साथ खूब सारा गोला बारूद और हथियार भी दिया। आखिरकार 13 जुलाई 1813 को वो दिन भी आ गया जब दोनों फौज के बीच जंग शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस युद्ध में अफगानियों की तरफ से फतेह खान और उनका भाई दोस्त मोहम्मद खान सेना को लीड कर रहे थे। दोनों के बीच बराबर युद्ध चल ही रहा था कि दुर्रानियों की एक टुकड़ी ने सिखों की आर्टिलरी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद लगने लगा कि सिख ये जंग हार जाएंगे। इसी बीच अफगान लड़ाकों के बीच ये खबर फैल गई कि फतेह खान के भाई दोस्त मोहम्मद खान की सिखों के हाथों मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही फतेह खान के हौसले पस्त हो गए और वे इस जंग से पीछे हट गए। इस तरह सिख ये जंग जीत गए। साल 1814 में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अपनी सल्तनत में मिलाने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे, लेकिन साल 1818 में पहले मुल्तान और फिर साल 1819 में पेशावर पर कब्जा कर उन्होंने अफगानियों का सफाया कर दिया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अफगानियों ने 1837 में एक बार फिर पेशावर को हथियाने की कोशिश की जिसमें वो एक बार फिर नाकाम रहे और इसके बाद उन्होंने पलट कर भारत की तरफ कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, क्या आप अब्दाली और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुए इस युद्ध से पहले वाकिफ थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।